आप सभी लोगों का स्वागत है रेलवे एनटीपीसी के बैच में। इस बैच में हम लोग अपने गणित विषय के सारी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ इस चैप्टर के टोटल 37 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आज हमें उसी के आगे इस लेक्चर में 38 नंबर से स्टार्ट करना है। तो चलिए बिना कोई देर की आज का अपना पहला प्रश्न और एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का 38 नंबर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, इसको हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। चार अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। ठीक है, ये बदलने का समय दिया गया, चार लाइटें लगाई गई हैं। यदि वे सभी 6:10 पर और 0 सेकंड पर एक साथ बदलती थीं, तो अब दोबारा कब बदलेंगी? तो दोबारा कब बदलेंगी, किस समय बदलेंगी, ये निकालने के लिए ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं, जो आपका समय दिया होता है, यानी 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड। इसका हमें सिर्फ एलसीएम लेना है, हमें समय निकल आएगा कितने समय पर हमारी ये बदलती हैं। तो 15, 18, 27 और 30 का जब आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं भाग विधि से, तो हमारा एलसीएम आएगा 270। ये समय आपका सेकंड में है, तो 270 सेकंड बाद, 270 सेकंड बाद हमारी लाइटें बदलेंगी। लेकिन हमारा जो विकल्प दिया गया है ये मिनट में भी दिया गया है, यानी 6:06 इसमें कुछ जोड़ना है, तो यानी कि इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 270 को आप 60 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, 60 से जब भाग देंगे, 60 का पूरा भाग देना है, ठीक है, ये 0:0 को कैंसिल आउट नहीं करना है। तो 60 का भाग जब 270 में देंगे तो 6×24 यानी 240 बार, 6×4 चार बार जाएगा, तो 4 बार तो पूरा जाएगा यानी कि 4 मिनट रहेगा, और प्लस के 240 बार गया और 270 है, 70 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 30। तो 30 सेकंड हमारा और बचेगा, यानी 4 मिनट 30 सेकंड बाद हमारी लाइटें बदलेंगी। यहाँ पर जो हमने कन्वर्ट करने का तरीका लगाया है, 270 में 60 का भाग दिया है, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी, अगर आपको दूसरा मेथड आता है, दूसरे तरीके से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4:30 हमें दिए गए समय में जोड़ना पड़ेगा, तो 6:10 और 0:00 है, इसमें 4:30 आप और जोड़ देंगे तो हमारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ तो हमारा 30 सेकंड रहेगा, यहाँ हो जाएगा 14 मिनट और यहाँ हो जाएगा 6 घंटे, यानी 6:14:30 पर हमारी लाइट बदलेगी। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर पहले ऑप्शन से, ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसलिए पहला विकल्प हमारा सही रहेगा। तो याद रखिएगा, जब भी ये लाइटों वाला क्वेश्चन हो तो आपको एलसीएम निकालना है। इस प्रश्न में इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें हमारी कन्फ्यूजन नहीं होती है कि कब हमें एलसीएम निकालना है और कब हमें एचसीएफ निकालना है। तो इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पर। सेम उसी टाइप का प्रश्न है, इसको हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। 39 नंबर का प्रश्न हमसे बोल रहा है कि 3 घड़ियां क्रमशः 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा का समय है, 2 घंटे, ठीक है, और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई, यानी 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे पर बजती हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजे थी, तो 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, तो अब कितने घंटे, तो अब कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो पहले जो दिया गया समय है, हमें क्या निकालना होता है, इसका हमें निकालना होता है एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है, 1, 2, 3 का एलसीएम कितना आया था, 3×2=6, यानी 6 घंटे बाद हमारी घड़ी बजेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, 3 ये आप यहाँ पर 6 जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 3 घंटे पहले बज चुके, यानी 3 घंटा हमारा समय बीत चुका है, तो अब कितने घंटे बाद बचेंगी, अब 3 घंटे बाद बजेंगी, क्योंकि हमें टोटल 6 घंटे का दोनों में घड़ियों में समय अंतराल है, दोनों नहीं बल्कि तीनों घड़ियों का जो समय अंतराल है वो 6 घंटे का है, तो 3 घंटे तो हमारे बीत चुके हैं, यानी कि आगे जब 3 घंटे और बीतेंगे तो हमारी घड़ी बजेगी। तो कितने घंटे बाद हमारी घड़ी एक साथ बजेंगी, तो 3 घंटे बाद हमारी घड़ी एक साथ बजेंगी। जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर बी पर टिक मत लगाइएगा। तो आगे हमारे 40 नंबर का प्रश्न है, 4 पहियों की परिधि, ये 4 पहिए हैं, इनकी परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। यदि वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं, ठीक है, एक साथ घूमना शुरू करते हैं,
यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। यहाँ पर जो कम से कम लिखा है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। कम से कम का मतलब होता है एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या या कम से कम लिखा हो उसका मतलब होता है एलसीएम, यानी कि आपको क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? 16 का और 24 का, और आपका 32 है और आपका कितना है? 40 है। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन के तरीके से करते हैं। पिछले विधि पिछले आपके जो लेक्चर था, वीडियो था, उसमें ये तरीका हम लोगों ने बहुत अप्लाई किया है। तो बाई ऑप्शन में क्या करते हैं, आपकी ये संख्याएं हैं, इसका ये जो आपके विकल्प हैं ये आपके एलसीएम ही दिए गए हैं, इसका हम भाग करके देख लेते हैं, जिससे सारी संख्याएं कैंसिल आउट हो जाती हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 16 आपकी संख्या है, तो 16 से जो एलसीएम होगा वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 से भाग करके देख लेंगे, 32 से देख लेंगे और 40 से देख लेंगे। सबसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है आपका 16 से ही आंसर आ जाए। तो पहला तो तरीका है ये एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका हम विकल्प के माध्यम से आंसर निकालना आपको बता रहे हैं। तो जो आपके संख्याएं दी गई हैं उसका आप भाग दीजिए, क्योंकि ये जो विकल्प हैं ये आपके एलसीएम हैं। तो एलसीएम हैं तो इन सारी संख्याओं का भाग चला जाएगा, तो चला जाना चाहिए, ठीक है। तो 16 का भाग करते हैं, 16 से 48 48 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 से 40 कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 40 तो कभी आपका आंसर नहीं होगा। 16 से 52 16 की 48, यानी कि 40 बचेगा, ये भी आपका कैंसिल आउट नहीं होगा और ये भी आपका कैंसिल आउट नहीं होगा। देखिए सिर्फ आपने 16 से ही चेक किया, 16 से ही चेक किया और तीन विकल्प आपके कट गए, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। इस प्रकार 480 ऑप्शन नंबर ए हमारा विकल्प सही रहेगा। आपको 24, 32 और 40 से चेक करने की कोई आवश्यकता ही यहाँ पर नहीं पड़ी। तो विकल्प ए आपका 480 आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर अगर आप एलसीएम निकालते तब भी आपका 480 ही एलसीएम आता। उम्मीद है एलसीएम निकालना नहीं बल्कि विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को हल करना आप सीख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने 41 नंबर के प्रश्न पर। तो 41 नंबर के प्रश्न में कहा रहा है, शीबा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। यदि वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले, सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या होगी? यहाँ पर ये जो शब्द लिखा गया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह एक ही चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सके? तो कहने का मतलब है उसके पास इतना सारा आइटम है। क्या आइटम है? 24 हमारा चॉकलेट है, 36 हमारे ये 36 है सॉरी 36 बिस्कुट है और 60 हमारी क्या है? आइसक्रीम है। इसको बांटना है और इस प्रकार बांटना है कि सबको बराबर बराबर मिल जाए, किसी को कुछ बटे ना। तो यहाँ पर अधिकतम जो संख्या है यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। अधिकतम बड़ी से बड़ी या अधिकतम जहां पर लिखा हो, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ आप 24, 36, 60 का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा तो यहाँ पर आपको एक दूसरा तरीका भी समझ में आ गया। क्या? कौन सा तरीका? बाई ऑप्शन का तरीका आपको समझ में आ गया विकल्प के माध्यम से। तो जो आपके ये विकल्प दिए गए हैं ये आपके एचसीएफ दिए गए हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही दिए गए हैं। यानी इसका भाग अगर हम संख्या में दें, तो हमारा वो संख्याएं पूरी तरह से कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो अगर ये सारे चीजें आपके पिछले लेक्चर में बताई गई हैं, अगर ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही तो छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर संख्या हम 6 और 12 ले लें, 6 और 12 ले लें तो इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 12। और एच सी एफ कितना आएगा? एच सी एफ आएगा 6, ठीक है। तो अगर एच सी एफ का भाग संख्या में देंगे, देखिए भाग चला जाएगा, 6 का भाग 12 में और 6 का भाग 1 में चला जाएगा। लेकिन एलसीएम में उल्टा करते हैं, एलसीएम में इस संख्या का भाग एलसीएम में देते हैं, तो 12 का भाग 12 में जाएगा और 6 का भाग भी 12 में जाएगा। तो एलसीएम में उल्टा करते हैं, संख्या का भाग एलसीएम में देते हैं, एच सी एफ में उल्टा करते हैं, एच सी एफ का भाग संख्या में देते हैं। तो ये आपके एचसीएफ है, भाग करके जरा देख लीजिए। तीन संख्या है 24, 36, 60, तो 6 का भाग 24 में भी जाएगा, 6 का भाग 36 में भी जाएगा, 6 का भाग 60 में भी जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आपको
आगे के जो अपने विकल्प हैं यानी बी वाला, सी वाला और डी वाला, इसको चेक करने की भी कोई जरूरत। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर अभी 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 आपका गलती हो रहा था, 18 से चेक करिए तो 18 का 24 में नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जो 12 से अगर चेक करेंगे तो 12 दिन 24, 12 तीन 36 और 12 पंजे 60, इसका विभाग चला जाएगा, इसका विभाग चला जाएगा। और 15 से आप चेक करेंगे तो 15 का भाग 24 में नहीं जाएगा, तो इस प्रकार ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके दो संख्याएं मिल रही हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, दोनों को भाग इसमें जा रहा है, दी गई संख्याओं में जा रहा है। अब आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है। ठीक, आपका एस सी एफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो 6/12 में बड़ा कौन सा है, 6/12 में बड़ा आपका 12 है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जल्दबाजी में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अभी हम टिक करने वाले थे, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि एस सी एफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। तो हमारे दो फैक्टर यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, 6 और 12, लेकिन 6 और 12 में बड़ा कौन है, 12, इसलिए 12 हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। या दूसरा तरीका, 24, 36, 60 का आप एस सी एफ निकाल लीजिएगा, आपका 12 आएगा, तुरंत आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा दीजिएगा। उम्मीद है दोनों तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 42 नंबर के प्रश्न पर। एक समूह में 8 बच्चे हैं, ठीक है, 8 बच्चे हैं, एक दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट हैं। तो ये लाइन थोड़ा सा गलत लिखी गई है, पेपर में भी यही लाइन ही आई थी, वो कन्फ्यूजिंग लाइन है, यानी कि कुछ पैकेट हैं जो कि एक दर्जन के समूह में रखे गए हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो जो पैकेट रखे गए हैं, ठीक है, जो पैकेट रखे गए हैं उसमें हमें क्या करना है, उसकी न्यूनतम संख्या बनाना है। तो हमने अभी 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 बताया है कि न्यूनतम अथवा छोटी से छोटी अथवा कम से कम, जहाँ पर लिखा गया हो वहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, वहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 8 और किसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर जो आपका एक दर्जन लिखा है इसका आप एलसीएम निकालेंगे। तो एक दर्जन का मतलब होता है 12, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 24 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यानी 24 पेंसिल हमारे एलसीएम में रहेगी। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी और एक पैकेट में कितने दर्जन आते हैं, एक पैकेट में एक दर्जन पेंसिल आती है। तो पैकेट की संख्या, पैकेट की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 पेंसिल हमें बांटना है। ठीक है, एक दर्जन में, एक पैकेट में कितना है, एक दर्जन, तो एक दर्जन में कितनी पेंसिल होती है, 12 पेंसिल, तो 12 का हम भाग कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 2 पैकेट आंसर आ जाएगा। तो ध्यान समझ लीजिएगा, इस एक दर्जन का पहले क्या करना है, 8 और 12 का हमें एलसीएम लेंगे तो 24 पेंसिल आएगी, 24 पेंसिल हमें बांटना है तो उसको पैकेट में बंद करना पड़ेगा, एक पैकेट में एक दर्जन आता है तो एक दर्जन नहीं 12 का भाग करना पड़ेगा, तो 12 दिन 24 यानी 2 पैकेट प्रत्येक बच्चे को मिलेगा, तो 2 पैकेट, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न था, कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो लाइन लिखी गई है ये क्लियर नहीं है कि ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, ये वाली लाइन दूसरी लाइन इसमें मिस्टेक है, यही आपका सेम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी आया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, अपने 43 नंबर पर पढ़ते हैं। आपके पास 24 नोटबुक, कितनी नोटबुक है, 24 नोटबुक है, 32 पेंसिल, ठीक है 32 पेंसिल है, और 16 इरेजर है यानी कि रबड़ है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी में इस प्रकार बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे, प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। तो आपको जो बांटने वाली चीजें होती हैं उसे हम लोग क्या निकालते हैं, उससे हम लोग एच सी एफ निकालते हैं, इसका एच सी एफ निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एच सी एफ सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, अथवा हम कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन विकल्प के भी माध्यम से हम लोग इसको कर सकते हैं। विकल्प के माध्यम से ये सारे आपके विकल्प जो दिए गए हैं ये एच सी एफ दिए गए हैं, इसका भाग सब में करके देख लीजिए, देखिए किस में जाता है, 6 का भाग 24 में और 6 का भाग 32 में जाएगा नहीं इसलिए गलत हो जाएगा, 9 का भाग करेंगे तो 24 में नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, 7 का भाग करेंगे 24 में नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, डी भी आएंगे तो 8 का भाग 24 में, 8 का भाग 32 में,
और 8 का भाग 16 में, सब में चला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा इसमें एचसीएफ कितना आएगा, 8 आएगा। अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो भी आपका आंसर 8 ही रहेगा। तो विकल्प के ही माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करिए, ज़्यादा आसान है, तुरंत आप भाग करके देख लीजिए, अगर जा रहा है तो आपका आंसर होगा भाग, और आकर आपका भाग नहीं जाएगा तो आपका आंसर नहीं होगा। ज़्यादा लंबा इसमें तरीका लगाने की कोशिश नहीं करिएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 44 नंबर के प्रश्न पर। अब देखिए, ये तो आपको निकालना है कि भैया इसमें करना क्या है। यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, ठीक है। पहला कितने का है, पहला 120 का है, दूसरा कितना है 144 का है, और तीसरा कितना है 204 का है, क्लियर। एक बैग की अधिकतम 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 का मतलब आपको समझ में आया, अधिकतम का मतलब क्या होता है, एच सी एफ। प्रश्न में ही कोई शब्द ऐसा दिया रहता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, अधिकतम मतलब एचसीएफ निकालना है। क्षमता ज्ञात कीजिए ताकि ढेर के प्रत्येक चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके, यानी कि इन दी गई संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो चलिए एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं, आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। और चाहे दूसरा तरीका कौन सा होता है, बाई ऑप्शन विकल्प के माध्यम से। तो बाई ऑप्शन में क्या होगा, ये सारे आपके एच सी एफ विकल्प में दिए गए हैं, इसका भाग करके देख लीजिए किसमें भाग करना है। अगर ए विकल्प लें तो 12 का भाग 120 में, 44 में और 204 में करना है। तो चलिए करते हैं, 12 का भाग 120 में करेंगे तो कट जाएगा, हाँ चला जाएगा, 12 का भाग 144 में भी जाएगा, 12 का भाग अगर हम 204 में करें तो 12 का 12 8 बचेगा 84, इसमें चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए ऐसा मिल गया 12, जिसका भाग सारी संख्याओं में चला जाता है, यानी सारी संख्याओं को ये कैंसिल आउट कर देता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही रहेगा, आगे आपके चेक करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर चेक करना चाहें तो 10 का भाग 144 में नहीं जाएगा, 15 का भाग 144 में नहीं जाएगा, 18 का भाग भी आपका 120 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों विकल्प आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, विकल्प ए 12 हमारा आंसर रहेगा। ये 44 नंबर का प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर के प्रश्न पर। जो प्रश्न आसान है उसमें हम लोग ज्यादा समय अपना खर्च नहीं कर रहे हैं, उसको जल्दी से ही हम लोग पूरा कर रहे हैं, निकलते हैं। आगे क्या लिखा, 78 पुस्तकें यानी 78 पुस्तक, 114 क्रियान, तो 114 क्रियान है वो 141 नोटबुक है, ठीक है। स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित करना है, ठीक है। वितरित करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एच सी एफ लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यह पाया गया कि प्रत्येक में 6 अवितरित बचे तो बच्चों की कुल संख्या क्या थी। तो हम बच्चों की कुल संख्या निकालना है, यानी एच सी एफ हम लोग लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब 78 पुस्तकें बांटी गईं तो उसमें से 6 पुस्तकें बट नहीं पाई, प्रत्येक में 6 अवितरित बचे, यानी कि 78 थी उसमें से 6 नहीं बट पाई, तो 6 आप घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बांटा गया, यानी कि 72 बांटा गया। जब 114 क्रियान था उसमें से 6 नहीं बट पाया, तो 114 में से हम लोग 6 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 108। 108 क्रियान ही हमने बांटे थे। इसी प्रकार 141 नोटबुक में से 6 हम नहीं बांट पाए, तो 141 में से 6 घटा देंगे तो हमारा 135 नोटबुक हमने बांटी थी। तो जो हमारी संख्या आएगी इसी का हमें क्या लेना है, एच सी एफ लेना है। तो कितना है, 72 है, 108 है और 135 है, इसका हमें एच सी एफ लेना है, ठीक है। तो चलिए इसका एच सी एफ निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप विकल्प के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। तो विकल्प के माध्यम से कैसे करते हैं, ये सारे जो आपके विकल्प हैं ये क्या हैं, एच सी एफ ही दिए हैं, तो यहाँ नहीं भाग करके हम देख लेंगे किसमें भाग करना है, 72 में, 108 में, 35 में। चलिए पहले विकल्प ए से चेक करते हैं, 9 का भाग 72 में देंगे, हाँ चला जाएगा, 9 का भाग 108 में देंगे तो 9 कम 9 9 दुनिया 18, ये भी चला जाएगा, 9 का भाग 135 में देंगे तो 9 कम 9 और 45, 9 का 45, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर आ गया है। आपको बी सी और डी विकल्प चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 9 ऐसी संख्या है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में चला जाता है, यानी कि इसका एच सी एफ कितना होगा भैया, 9 होगा। तो एच सी एफ चाहे निकाल के आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे विकल्प के माध्यम से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, जिससे आप प्रश्न को सॉल्व करना चाहें उससे आप कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं अपने 46 नंबर के प्रश्न पर। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ चुका है।
प्रश्न में लिखा गया है वह बड़ी से बड़ी, तो यहां से आपको दे दिया गया है बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी का मतलब होता है HCF, क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो समान शेष बचे प्रत्येक दशा में, ऐसे प्रश्न आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल तरीका यूज करते हैं ऐसे सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। HCF तो निकालना ही है, लेकिन इन संख्याओं का HCF नहीं निकालना है। HCF किसका निकालना है जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और HCF निकालना हो और संख्याएं दी गई हो, तीन संख्याएं या दो संख्याएं या चार संख्याएं जो भी दी गई हो, तो उसका कैसे करते हैं समझ लीजिएगा। जो सबसे छोटी संख्या होती है यानी कि 270, इसको बाकी की दोनों संख्याओं से घटाते हैं। यानी कि बाकी की दो संख्याएं कितनी हैं, यहाँ पर 675 है, इसमें से कितना घटाएंगे, 270 घटाएंगे। ठीक है, अभी जितना आएगा उसको तो हम बाद में लिखेंगे। अगला कितना है, 1215 है, इसमें से सबसे छोटी संख्या 270 हम लोग घटाएंगे। क्लियर, आप क्या करेंगे, अब दूसरे नंबर पर जो सबसे छोटी संख्या होती है यानी 675 है, इसको सबसे बड़ी संख्या में से घटाएंगे। यानी कि 1215 में से हम लोग क्या घटाएंगे, 675 घटाएंगे। तो चलिए घटा के लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा और 7 में 7 या 0 और यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 11 और फिर ये 4 हो जाएगा और 11 में से ये जाएगा तो 945 हो जाएगा। यहाँ से 5 में से 5 गया 0 और 11 में से ये हो जाएगा 4 और 11 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 540। अब हमें HCF निकालना है, किसका निकालना है, 405 का, ठीक है, 945 का और 540 का। ठीक, इसका HCF निकालेंगे, HCF तो हमें निकालना ही था, लेकिन अब हम जो आया है घटाने के बाद इसका HCF निकालेंगे, जो दी गई संख्याएं होती हैं उसका HCF नहीं निकाला जाता है। तो चलिए HCF हम लोग निकालते हैं, इसका सॉल्व करते हैं हमारा क्या HCF आएगा। तो HCF निकालने के लिए हम कॉमन लेते हैं, तो पहले 5 को कॉमन लेते हैं, तो 5 8 40, 5 1 5, ठीक है, 5 1 5 बचेगा हो जाएगा 44, 5 8 40 और 5 8 40 तो बचेगा 4 हो जाएगा 45 और 5 9 45। ठीक है, और यहाँ 5 1 5 0, 5 8 40। अब कुछ कॉमन आ रहा है, आप इसमें से 9 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 9 को अगर कॉमन लेना चाहें तो 9 भी कॉमन आ रहा है, तो 9 भी बाहर निकाल लेते हैं, तो 9 9 81, 9 2 18, 9 1 9 और 9 1 9, 9 2 18। और भी कुछ कॉमन है, तो कॉमन आपका क्या आ सकता है, 3, हाँ 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 आप बाहर निकालिए, 3 3 9, 3 7 21 और 3 4 12। अब हमारा कोई भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या होता है, हमारा कॉमन ही होता है, यानी कि ये वाली संख्याएं हमारा HCF है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, 5 × 9 और 3, 9 5 45 और 3 45 × 3 होगा 135। तो 135 आपका आंसर रहेगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये HCF निकालने का आपका एक दूसरा मेथड है, जिसको हमने कॉमन लेने वाले तरीके से HCF निकाला है। आप सिंपल तरीके से जो भाग विधि से HCF निकाला जाता है, उस तरीके से भी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो 135 ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 47 नंबर के प्रश्न पर। 47 नंबर के प्रश्न के स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी। तो भैया छोटी से छोटी का मतलब होता है LCM आपको निकालना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24 और 36 तथा 54 से भाग देने पर क्रमशः 12, 20 और 32 और 50 आपका शेष बचता हो। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप 16 से, ऐसी आपकी कोई संख्या है, जब आप 16 से भाग देंगे तो आपका 12 बचता है, 24 से भाग देंगे तो 20 बचता है, 36 से भाग देंगे तो 32 बचेगा और अगर 54 से भाग देंगे तो हमारा 50 बचेगा। तो ऐसी संख्याओं में जो शेष बचता है जरा उसको घटा के देखते हैं। तो अगर हम लोग 16 में से कितना शेष बच रहा है, 12, 16 का भाग देंगे तो 12 शेष बच रहा है, और देखिए 4, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आ रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में 24 से भाग देंगे तो कितना शेष बच रहा है, 20 शेष बच रहा है। क्लियर, अगली कंडीशन में हम 36 से भाग देंगे तो कितना बच रहा है, 32 बच रहा है। देखिए 36 में से 32 घटाएंगे फिर भी आपका 4 ही आएगा। अगली कंडीशन में ये जो 54 है, 54 का भाग दें तो कितना बच रहा है, 50 बच रहा है।
तो 54 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। देखिए प्रत्येक कंडीशन में शेष कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर संख्या निकालनी होती है, यहाँ पर जो हमें ये संख्याएं पता करनी होती हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक ट्रिक होता है, उसको आप सीख लीजिएगा। संख्याएं अगर हमें पता करना होता तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालते हैं, जिसका हम लोग भाग दे रहे हैं, यानी कि 16 का और 24 का और कितना है 36 का और कितना है 54 का, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। और माइनस ये वाला 4 कर देते हैं जो सबको घटाने पर कॉमन आ रहा है। तो 4 हमारा सब संख्याओं को घटाने पर 4 ही आता है, तो इस 4 को माइनस करते हैं। किसमें से माइनस करते हैं, ये दी गई संख्याओं के एलसीएम निकालने के बाद, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको आप हमेशा समझ लीजिएगा, ये एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को समझ लीजिएगा। अगर ये फार्मूला नहीं आएगा तो आपके प्रश्न जो है आंसर निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम आप निकाल सकते हैं 16, 24, 36 और 54 का, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। कितना हमारा एलसीएम आएगा, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 332 आपका एलसीएम रहेगा। इसमें से हमें 4 घटाना है तो कितना आंसर आएगा, 428 आपका आंसर आ जाएगा। 428 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ये एलसीएम निकालने के लिए हमने कैलकुलेशन नहीं किया है, आप एलसीएम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, उसमें हम लोग अपना समय खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है, आप समझ लीजिएगा इस प्रश्न को जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया गया है। तो आगे हमारा 48 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न मौखिक प्रश्न है। प्रश्न में लिखा गया है एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक, यानी जो शुरुआत से ग्राहक आएगी और उसमें 30वें नंबर पे जो ग्राहक आएगा उसको एक गिफ्ट कूपन देता है, ठीक है। और प्रत्येक 100वें ग्राहक, इस प्रकार ग्राहक आते जाएंगे, और 100वें नंबर पे जो ग्राहक आएगा उसको क्या देता है, एक निःशुल्क टीवी देता है, ठीक है। ये हमारा क्रम चलता रहता है, तो कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होंगे। तो आपके मौखिक प्रश्न है, यानी कि ये 30वें नंबर वाला और 100वें नंबर वाला कब आपस में जाके मिलेंगे, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो देखिए 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 में तो कभी जाएगा नहीं, उसके आगे फिर 120 आएगा, 130 आएगा, 150 आएगा, तो ये 100, फिर यहाँ पर धीरे धीरे आके ये 200 नंबर आएगा, फिर धीरे धीरे आके ये 300 नंबर आएगा, ये 100 का ऐसा ही क्रम चलता रहेगा। और ये 30वें नंबर पे ये 60 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और फिर वहाँ पर 210 हो जाएगा, फिर कितना होगा, 240 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, और 300 नंबर पर ये जाके दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये तो एक समझ लीजिए, हमने गिनती पढ़कर आपको बता दिया कि 30 और 100 दोनों कब मिलेंगे, 300 नंबर पर मिलेंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस प्रश्न को, तो जो 30वां नंबर दिया गया है और कितना दिया गया है, जो 100वां नंबर दिया गया है, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम आपका 300 आएगा, तो उस कंडीशन में भी आपका आंसर 300 हो जाएगा। तो मौखिक प्रश्न है, इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 30 नंबर और 100 नंबर के ग्राहक को अलग अलग गिफ्ट मिलते हैं, वैसा कौन सा ग्राहक होगा जिसको दोनों गिफ्ट मिलेंगे, यानी कि ये दोनों कब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो 300 नंबर पर ओवरलैप करेंगे। सीधा सीधा कंडीशन है कि एलसीएम आप 30 और 100 का निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत चर्चा हो गई ऐसे छोटे से प्रश्न में, आगे बढ़ते हैं अपने 49 नंबर के प्रश्न पर। वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो भैया छोटी से छोटी का क्या मतलब आप समझ में आया, एलसीएम आपको समझ में आ गया है, जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यानी कि जो ये संख्याएं हैं ये नहीं कटेंगी, 4, 6, 9, 12 और 14 से आपकी दी गई संख्याएं कैंसिल आउट नहीं होंगी। कौन सी संख्याएं कैंसिल आउट होंगी, इसका दोगुना। तो अगर 126 का दोगुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा 252। 252 का दोगुना करेंगे तो आपका आएगा 504। ऑप्शन नंबर सी में 504 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 5×10 1008। और उसके बाद 63 का दोगुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 6×12 126 हो जाएगा। तो दोगुना कैंसिल आउट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सारे कन्वर्ट हो गए हैं। अब जो ऑप्शन हमारा कटेगा उसी पर हम टिक लगाएंगे। तो हमने दोगुना कर दिया है क्योंकि हमें दोगुना कैंसिल आउट होगा, ये हमें निकालना था।
और इसको कैसे करते हैं संख्याओं को, इन सारी चीजों को, ऐसे सारे प्रश्नों को हम विकल्प के माध्यम से चेक करेंगे, यानी 4 का 6 का 9 का 12 का 14 का भाग करके हम देखेंगे और जो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए 4 का भाग करते हैं। पहले 4 से हम लोग चेक कर लेते हैं, और या फिर हम लोग 14 से चेक कर लेते हैं, बड़ी संख्या होती है 14 या 12 या 9 या 6, किसी से भी आप कैंसिल आउट कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो 4 से आप चेक करने के लिए विभाजिता का नियम 4 का आपने सीखा ही होगा कि आखिरी की 2 संख्याएं अगर 4 से कट जाती हैं तो वो संख्या 4 से कैंसिल आउट हो जाती है। तो 52 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 भी हो जाएगा, ये 8 भी हो जाएगा, लेकिन 26 नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब हमारे पास ए बी और सी विकल्प बचे हैं। तो 6 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 252 यानी 6 चौक 24 और 12 कट जाएगा। ठीक है, और ये 48 और 24 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 कम 6 और 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 36 फिर 48, ये भी हमारा 6 से तीनों संख्याएं कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम इन सारी संख्याओं का भाग करके देख रहे हैं, जिसमें सारी संख्याओं का भाग चला जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 6 4 और 6 से तो चेक कर लिया, आप 9 से कर लीजिए। तो 9 दुनिया 18 और ये बचेगा 72, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरी संख्या 9 5 45 9 6 54 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और तीसरी संख्या 9 1 9 और 1 बचेगा, फिर 9 1 9 18 ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 9 से भी हो रहा है, ये थोड़ा बड़ा लंबा प्रोसेस चल रहा है, इससे पहले वाले प्रश्नों में 1 या 2 से ही ये चेक करने पर हमारा आंसर आ जाता था। तो चलिए 12 से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 2 24 12 कम 12 ये कट जाएगा, 12 4 48 24 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 6 96 और ये 12 ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बचा है भैया 14 14 से चेक करते हैं। तो 14 1 14 और यहाँ बचेगा कितना, 112। हाँ, ये ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 14 से पूरी तरह से, 14 से 14 42 और 8 84 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, और अगर हम इसको करेंगे तो 14 6 84 14 14 7 98 हैं, और 2 बचेगा 14 2 28 ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपके तीनों संख्याएं कैंसिल आउट हो रही हैं। आप चेक कर लीजिएगा, आपके तीनों संख्याएं कैंसिल आउट हो गई हैं, हमने जल्दीबाजी में इसको चेक किया है, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो। अब इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा ये हमें देखना है। तो ध्यान देखिए, आपको निकालना क्या था, छोटी से छोटी संख्या निकालना है। क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, तो अब हमारा तो आंसर तो तीनों आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ऑप्शन नंबर ए है, विकल्प ए ही तो सबसे छोटा है, इस प्रकार विकल्प ए हमारा सही होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि जब हमने इसको चेक किया तो हमारे तीनों विकल्प सही थे, यानी एलसीएम हमारे तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तीनों विकल्प हमारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका क्या निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, और यहाँ पर साफ साफ लिखा ही है छोटी से छोटी संख्या। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 252 है, 252 किसका डबल था, 126 का डबल था, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसमें गुणा भाग करने में जल्दी हो मतलब थोड़ा देर लग गया है, लेकिन आपको पहाड़े आते हैं तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अपने 50 नंबर के क्वेश्चन पर। ये 50 नंबर का प्रश्न भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, छोटी से छोटी का मतलब होता है हमारा एलसीएम हमें निकालना है, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जिसे 1456 में जोड़ने पर वह 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 6 5 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6 दहमा 60, इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी अगर हम 1456 में किसका भाग दें, एक इस जो एलसीएम आया 60 का भाग दें, तो इससे अलग अलग भाग देने की बजाय हम लोग इसके एलसीएम से ही भाग दें, तो ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए 60 का भाग पहले हम लोग करके देखते हैं, 60 का ही भाग करना है। तो 60 दुनी 120 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 6। एक बार अगर नहीं समझ में आए तो फिर से समझ लीजिए, आप 6 का 5 का और 4 का अलग अलग भाग अगर इस संख्या में दें
तो हमें ऐसे कुछ जोड़ना है संख्या में कि जो बचे वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके एलसीएम लेकर उस एलसीएम का 1456 में भाग करना है। तो हमारा 256 बचेगा, यहाँ लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब 256 में कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, लगभग 4 बार जाएगा। 4 गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हमारा कितना बचेगा, 240 बचेगा। इसको हम घटाएंगे तो यहाँ 16 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। अब ध्यान से बात को समझ लीजिए, 60 का जब हमने भाग 1456 में किया तो हमारा शेष कितना बच रहा है, शेष 16 बच रहा है। अगर इस संख्या में अगर देखिए 16 कब बच रहा है, जब यहाँ पर अगर हम इसमें 44 और जोड़ दें, मान लो 44 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। तो अगर हम 60 हो जाएगा ना, तो अगर हम इसमें इस ऊपर वाली संख्या में 44 जोड़ दें तो ये 60 हो जाएगा, और 60 का भाग करेंगे तो यहाँ पर शेष जो बचेगा, यहाँ पर जो शेष बचेगा वो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि शेष हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से संख्या कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ पर हमारा 16 बच रहा था, लेकिन 16 के बजाय अगर हम 44 इसमें जोड़ दें तो हमारा 60 हो जाएगा। तो अगर 60 का भाग देंगे तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं बचेगा यानी पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा कहने का मतलब ये है हमारा कि 1456 में अगर हम लोग 44 जोड़ दें तो जो संख्या आएगी वो हमारी 60 से पूरी तरह से विभाजित होगी, ये हमारे कहने का मतलब है। तो हमने जोड़ा कितना है, 44। ऑप्शन नंबर सी में आपका 44 लिखा है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, क्योंकि पूछ रहा था क्या जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ेंगे, 44, क्योंकि यहाँ पर 16 ज़्यादा था। अगर पूछा जाता कितना घटाया जाए तो उस कंडीशन में हमारा 16 आंसर होगा जो हमारा शेष बच रहा है, लेकिन क्या जोड़ा जाए तो इसको हमें 44 जोड़ देंगे तो 60 से पूरी तरह से कैंसिल आउट होने लगेगी, इस प्रकार हमारा 44 आंसर रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए हमारे पास बस इतने ही प्रश्न थे। इतने ही प्रश्न क्या, हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ में टोटल 50 क्वेश्चन थे जिसको हमने अपने 4 लेक्चर में खत्म किया है, क्योंकि लेक्चर हम लोग बहुत बड़ा नहीं बनाते हैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और उतनी लंबी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है। आज का जो लेक्चर था इसमें कुछ प्रश्न कुछ अलग टाइप के बताने की हमने कोशिश किया है, हो सकता है कि आपको ये थोड़ा दिक्कत लग रहा हो, लेकिन सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिएगा। और चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए ट्रिक और लॉजिक के साथ। तो ठीक है, चलते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।